नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज आज आपको होम्योपैथ में बहुत ही दुर्लभ औषधि एब्रोटेन के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कोई कोई बच्चे जिनकी उम्र 2 साल 3 साल 4 साल हो जाती है, लेकिन उनका शरीर आपको दिखने में लगेगा एकदम 1 साल के बच्चे जैसा। तो उस रोग को सुखंडी बोलते हैं। उनका शरीर बढ़ता नहीं, एकदम सूखा हुआ, दुबले पतले, एकदम छोटे से बच्चे के जैसे लगेंगे। उस रोग में मैं जो दवा सबसे पहले याद करता हूँ वो मेडिसिन है एब्रोटेन। उस टाइप के बच्चे कभी मेरे पास भी आते हैं तो मैं इन्हें एब्रोटेनम दवा का प्रयोग करने के लिए कहता हूँ, एब्रोटेनम दवा ही देता हूँ। और साथ में कैल्केरिया फोस 6 एक्सपोटेंसी में 4 दाना 3 गर्म पानी या दूध के साथ खाने को देता हूँ। तो कुछ दिनों के दवा प्रयोग से सुखंडी रोग उनका जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, वो फिर बढ़ने लगते हैं। मैंने कहीं सुना है दोस्तों कि एक बनाना पाउडर होता है, बनाना पाउडर, केले का पाउडर, उसको दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाने से भी जिन बच्चे को सुखंडी है, मरासमस, वो धीरे धीरे बनाना पाउडर सेवन करवाने से उनका मरासमस रोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फिर हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं बिल्कुल आम बच्चों की तरह। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हों जिन्हें सुखंडी, तो आप एब्रोटेनम दवा के साथ बनाना पाउडर को दूध में मिलाकर जरूर खिलाएं। कुछ दिनों के दवा प्रयोग से वो उनका शरीर काफ़ी अच्छा विकसित हो जाएगा। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइक करें और शेयर करें और लोगों के साथ। थैंक यू।